जी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल फाइनल होगा। ये फाइनल देखने के लिए बहुत सारे लोग बाहर से आने वाले हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल मैच देखने के लिए अहमदाबाद आने वाले हैं। तो आसाम के सीएम हेमंता बिस्रा भी यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। कल जो 11 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचेंगे, एयरपोर्ट से वो सीधा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुँचेंगे मैच देखने के लिए, और बहुत सारे लोग भी यहाँ मैच देखने के लिए आने वाले हैं। तो ये मैच के लिए पूरी तैयारी हो रही है, यहाँ जो VVIP आने वाले हैं उसके लिए भी पूरी तैयारी करके रखी है। लेकिन बहुत उत्साह है, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पहुँच गई है, इंडिया की टीम भी यहाँ है और उसने अलग अलग जगह पे विजिट भी की है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फर्स्ट टाइम ये फाइनल होगा और फाइनल देखने के लिए लोगों में भी ज़्यादा उत्साह है। आज मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर नहीं हूँ, मैं आज अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हूँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो उसके लिए रिहर्सल चल रही है, तो सुरक्षा का जो इंतजाम किया गया है तो उसका कवरेज के लिए मैं यहाँ हूँ। तो मेरे आसपास लोग नहीं है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर और ITC नर्मदा होटल है वहाँ, और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ताज होटल में है, तो उसके बाहर बहुत सारी भीड़ है और एक झलक देखने के लिए जो क्रिकेट की पूरी टीम है तो उसकी टीम की एक झलक देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे हैं। ये पहला जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनने के बाद पहली फाइनल है वर्ल्ड कप की, तो ये देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आने वाले हैं। तो जो ट्रेन की टिकट है वो फुल है, साथ में फ्लाइट है वो भी फुल हो गए हैं, उसका जो किराया है वो भी डबल से ज़्यादा हो गया है। तो जहाँ ये बात करते हैं होटल की, तो होटल में भी सारी जितने भी होटल है उसमें भी किराया बढ़ गया है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग बाहर से आने वाले हैं। तो यहाँ से मैं अहमदाबाद का थोड़ा इलाका, एयरपोर्ट का इलाका बता देती हूँ कि यहाँ का जो कल आने वाले जो भी VVIP है उसका ये रास्ता है, गुस्सल से वो निकल के सारे लोग जो स्टेडियम पहुँचने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, इसके पहले जो रिहर्सल है वो रिहर्सल किया है, कल बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो यहाँ जो भी स्पेशल फ्लाइटें आने वाली है उसके लिए पार्किंग की भी अलग से व्यवस्था की गई है, तो सारा इंतजाम यहाँ तैयार है। बस आने वाली कल के लिए सब लोग तैयार है, अहमदाबाद तैयार है, गुजरात तैयार है, देश से बाहर आए लोग भी तैयार है। यहाँ जो एयरपोर्ट से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आसाम के CM आने वाले हैं, गृह मंत्री आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उससे साथ साथ बॉलीवुड से भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो उसका जो सुरक्षा को लेकर इंतजाम कर दिया है, साथ में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जाएंगे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास तो बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं, वहाँ भी सुरक्षा कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। कल से भी एक पूरा रिहर्सल किया है, परफॉर्मेंस होगा तो परफॉर्मेंस पहले होगा, उसके बाद पूरा मैच शुरू होगा। तो होटल के बाहर से जो भी टीम निकलेगी आज नेट प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे, और जो भी होटल से पूरी टीम निकलेगी तो वहां से भी पूरा सुरक्षा के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचने के लिए सारी व्यवस्था की गई है।